हाँ तो स्टूडेंट हम लोग पीएच स्केल पढ़ने जा रहे थे, है ना। तो सोरेनसन ने पीएच वैल्यूज़ बहुत सारी चीज़ों की निकाली, अलग अलग वैरायटी ऑफ थिंग्स की, एसिड्स की, बेसिस की, और बहुत सारी चीज़ों का पीएच वैल्यू निकालने के बाद और टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद उनको बहुत सारा रेंज मिला, है ना, एक नंबर ऑफ रेंज मिला। पीएच की वैल्यू जो नंबर में आती है वो एक रेंज मिला, तो उसको उन्होंने एक स्केल में कन्वर्ट कर दिया, है ना, एक रेंज बना दिया कि पीएच का जो वैल्यू है मिनिमम 1 तक जाता है और मैक्सिमम 14 तक जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, पीएच स्केल। ठीक, तो पीएच जो फार्मूला है उसके सहायता से और हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग पीएच वैल्यू निकालते हैं, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ चीज़ों पर ये किया गया एक्सपेरिमेंट, फिर सभी चीज़ों का पीएच वैल्यू देखा गया तो लगभग इसी रेंज में आ रहा था 1 to 14, तो उसी को एक नंबर सिस्टम उन्होंने बना दिया सोरेनसन ने, जिसको पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद जब और डिटेल स्टडी किया गया सोरेनसन के द्वारा, तो उन्होंने पाया कि जिन चीज़ों का पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने पर 1 to 6.9 यानी 7 से पहले तक, कह सकते हैं 1 to 6, है ना, या 6.9 जस्ट 7 के पहले, तो जो चीज़ें जिनका पीएच वैल्यू 1 से लेकर के 6.9 के बीच में रहेंगी उनको हम लोग एसिडिक सब्सटेंसेस बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने ये इंडिकेट किया है। ठीक है, और जिन सब्सटेंसेस का जो पीएच वैल्यू 7.1 से लेकर के 14 तक आएगा तो उन चीज़ों को बेसिक बोला जाएगा। ठीक है, तो पीएच के वैल्यू के बेसिस में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं और सब्सटेंसेस को, और बता सकते हैं कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। एसिडिक वो होगा जिसका पीएच वैल्यू 1 से लेकर 6.9 के बीच में होगा या 6 तक होगा, 7 नहीं होगा, और बेसिक सब्सटेंस वो होंगे जो पीएच वैल्यू 7.1 से लेकर 14 तक होंगे या 8 टू 14 होंगे, और जिसका जिस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 आएगा कैलकुलेशन से वो किसका प्रॉपर्टी होगा, वो न्यूट्रल सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, पीएच का वैल्यू जब 7 आएगा दैट मीन्स वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है न उसमें एसिड है न उसमें बेस है, या फिर एसिड बेस था तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला, न्यूट्रल। ठीक, तो पीएच के वैल्यू के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अगर आपको डाटा दिया रहेगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उस पर बता सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस का पीएच दिया है 1, तो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा एसिडिक, है ना, एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि 1 to 6.9 तक जो भी पीएच वैल्यू होता है वो एसिडिक को डिनोट करता है, वो एसिडिक सब्सटेंस का डिनोशन है ना, मतलब एसिड की तरफ वो इंडिकेट करता है, दैट्स इट। और ये सारे एक्सपेरिमेंट कर कर बनाए गए हैं स्केल है, है ना, स्केल वैल्यू। और अगर मान लीजिए किसी का पीएच वैल्यू है 8.5, तो वो किस उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर होगा बेसिक, क्योंकि 8 से लेकर 14 तक अगर पीएच वैल्यू है तो बेसिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होगा, क्लियर। और किसी सब्सटेंस का वैल्यू अगर पीएच का 7 है तो ये मतलब न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल में क्या आता है, सॉल्ट्स आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, वाटर आता है, प्योर वाटर, है ना, तो न्यूट्रल में सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, अदर कुछ चीज़ें होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं जिसका पीएच 7 आता है। ठीक, तो इस पीएच स्केल और पीएच के फार्मूले के कैलकुलेशन की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस पीएच की वैल्यू की सहायता से। ठीक, तो ये हो गया पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया इस तरफ, इधर डायरेक्ट किया एसिडिक एसिड स्ट्रेंथ, और एक मैंने एरो इधर बनाया है जिसको लिखा है बेस स्ट्रेंथ। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे ये नंबर 1 to 6 है, जो अगर 6 से 1 की तरफ आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसका मतलब ये है अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 1 है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस ए है तो इसका पीएच वैल्यू 1 है, और कोई सब्सटेंस बी है उसका पीएच वैल्यू 3 है, तीन में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ये होगा। कैसे, ये इन्होंने नियम बताया था, ये सारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे पाए गए हैं। ठीक है, तो यही ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि जब 6 to 1 की तरफ आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, दैट मीन्स पीएच का वैल्यू जितना छोटा रहेगा वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यानी अगर किसी एसिड का पीएच वैल्यू 1 है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा,
और किसी का वैल्यू अगर 6 है तो उससे काफ़ी वीक एसिड होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी है कि ए और बी सब्सटेंस है, ए का पीएच वैल्यू 1 है, बी का पीएच वैल्यू 3 है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो ए है वो हाईली एसिडिक होगा और बी जो है वो इससे कम एसिडिक होगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ता है एसिड वाले केस में 1 2 लेकर 6.9, तो नंबर बढ़ने पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है घटता है और नंबर घटने पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ता है, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे नंबर उल्टा क्रम में चलते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ 6 to 1 की तरफ चलते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। दैट मीन्स जितना छोटा वैल्यू होगा पीएच का उतना ही ज़्यादा एसिडिक वो सब्सटेंस होगा। अब इसका जस्ट रिवर्स है बेसिक केस में क्या है कि जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, है ना। मान लेते हैं कोई ए सब्सटेंस है, उसका पीएच अगर आया है 1 का 12 आया है और 1 का आया है बी नाम के सब्सटेंस का, इसका पीएच आया है 14, तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा? 14 वाला ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है ना। तो बेस वाले केस के लिए अगर हम लोग देखें इस पीएच स्केल पे, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती है पीएच की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे वो ज़्यादा बेसिक होता है सब्सटेंस। जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू होगा उतना ज़्यादा बेसिक वो सब्सटेंस होगा। लेकिन एसिड के केस में जस्ट उल्टा होता है। एसिड के केस में जितना कम पीएच का वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रांग एसिड होगा और जितना ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा उतना ही वीक एसिड होगा। बेस के केस में जितना बड़ा नंबर रहेगा पीएच का वैल्यू का उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, जितना छोटा नंबर रहेगा उतना ही कम बेसिक रहेगा। सिंपल सी बात, ठीक है। तो यही यहाँ पर इंडिकेट किया गया है पीएच स्केल में, विच वॉज गिवन बाई एस एल सोरेनसन इन 1909। क्लियर? ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। ये बहुत ही ज़रूरी है कि पीएच वैल्यू को आप याद करें, कहाँ से कहाँ तक एसिड का होता है रेंज, कहाँ से कहाँ तक बेस का बताया गया है, कौन सा न्यूट्रल का है तो याद रहेगा आपको 7, और एसिड स्ट्रेंथ किधर बढ़ता है, बेस एसिड स्ट्रेंथ किधर बढ़ता है किधर घटता है याद होना चाहिए, ठीक। ये एरो आप बना लेंगे तो आपको याद रहेगा, यानी एसिड इधर बढ़ता है जैसे जैसे पीएच वैल्यू छोटा होता है और बेस इधर बढ़ता है जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ा आता है, ठीक। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये जो स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ ये है क्या, इसको समझते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड का स्ट्रेंथ इसकी बात करनी है। तो एसिड का स्ट्रेंथ क्या होता है, हाँ, तो बात हो रही है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की। स्ट्रेंथ हमको बताता है कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है कौन सा वीक है, ठीक है, या कौन सा बेस स्ट्रांग है कौन सा बेस वीक है। ये तो हम लोग पीएच वैल्यू के बेसिस पे बता सकते हैं, किसी क्वेश्चन में अगर पीएच वैल्यू दिया है तो उसमें हम लोग वैल्यू देखकर बता सकते हैं इस पीएच स्केल को, अगर हम लोग सही से सही ऑर्डर में याद किए रहे, ठीक। लेकिन दूसरा जो इसके पीछे का रीजन है, ये जो रेंज बनाया गया है कि पीएच वैल्यू कम होता है तो एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होता है और पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है वैसे बेस ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसके पीछे क्या रीजन है उसको हम लोग समझते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, एसिड का स्ट्रेंथ क्या होता है, तो हम लोग स्टार्टिंग में पहले वीडियो में पहले क्लास में इसमें पढ़े थे हम लोग कि किसी भी एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है उसका हाइड्रोजन आयन होता है H+ आयन, ठीक है। तो जिस एसिड में जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो यानी जिस चीज़ में जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उसका पीएच वैल्यू उतना ही कम आएगा और जितना कम पीएच वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक वो सब्सटेंस होगा, सीधी सी बात। तो इस पीएच स्केल से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक। और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने का मतलब है कि वो एसिड हमारा ईजिली ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ना। उसको समझते हैं, जैसे कि वही एसिड ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। और मैंने बताया था कि एसिड जो होता है वो सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयन देता है इन वाटर इन लिक्विड, ठीक है। जब उसको वाटर में डाला जाएगा किसी भी एसिड को या उसको सोलूशन बनाया जाएगा तब ये अपने आयन्स में ब्रेक हो जाता है हमारा एसिड, ठीक है, अपने आयनिक फॉर्म में
ये ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन आयन और जो भी दूसरा नेगेटिव आयन है उसमें ब्रेक हो जाता है। और यही जो हाइड्रोजन आयन हमारा मिलता है सोल्यूशन में, इसी की वजह से अलग अलग एसिड का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। जिस एसिड में जितने ज़्यादा फ्री हाइड्रोजन आयन होंगे वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, और जितना स्ट्रांग एसिड होगा उतना ही पीएच वैल्यू उसका कम आएगा। ठीक, तो इस तरह से ये जो एसिड है इसका डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे क्या इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे हमारा एसिड जो है वाटर के कांटेक्ट में आने पे डिसोसिएट हो रहा है, अपने आयनिक फॉर्म में टूट जा रहा है। ठीक है, और आयनिक फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसका हाइड्रोजन आयन, जितना इजीली वो हाइड्रोजन आयन देगा उतना ही वो अच्छा एसिड होगा और स्ट्रांग एसिड होगा। ठीक, अब दूसरे किसी एसिड का हम लोग डिसोसिएशन देखते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3। ठीक है, तो HNO3 को डालेंगे पानी में तो H+ आयन और नाइट्रेट आयन में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आयन जो है बैलेंस, एक माइनस एक प्लस बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी एसिड अगर वाटर में उसको डिजॉल्व करते हैं, सोल्यूशन उसका बनाते हैं, तो वो अपने हाइड्रोजन आयन को निकालता है, लिबरेट करता है। हाइड्रोजन आयन निकलेगा तभी वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर हाइड्रोजन आयन निकलेगा ही नहीं तो एसिडिक प्रॉपर्टी वो सब्सटेंस शो ही नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन आयन निकलना ज़रूरी है, और हाइड्रोजन आयन को निकलने के लिए लिक्विड मीडियम बहुत ज़रूरी है। ठीक, और एक एसिड का देख लेते हैं डिसोसिएशन, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन लिखें, यानी जब वाटर में वो ब्रेक होता है तो क्या होता है, 2H+ और SO4 2-, इस तरह ब्रेक हो जाता है, दो हाइड्रोजन आयन देता है और एक सल्फेट आयन देता है। ठीक, इस तरह से जितने भी और भी कई सारे एसिड हैं जिनको हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ईजिली ये वाटर में मिक्स होकर जब सोल्यूशन इनका बनता है तो बहुत ईजिली हाइड्रोजन आयन निकालते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में निकालते हैं। जो जितना ज़्यादा संख्या में हाइड्रोजन आयन निकालेगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड दो हाइड्रोजन निकाल रहा है, एक सल्फ्यूरिक एसिड से दो हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू दिस टू, है ना। ओके, तो ये हो गया डिसोसिएशन रिएक्शन ऑन फ्यू एसिड्स, कुछ एसिड के डिसोसिएशन रिएक्शन हो गया। तो एक्चुअली में प्रैक्टिकली ये होता है, क्योंकि हम लोग आयन को देख नहीं पाते हैं, आयन तो बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन वाटर में या सोल्यूशन में इसी तरह का मैकेनिज्म होता है, और जब हाइड्रोजन आयन किसी एसिड से निकलेगा तभी वो रिएक्शन होगा और उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो होगी। ठीक, अब कभी कभी जैसे हाइड्रो, इतना समझ लिए हम लोग, ठीक है इसको मिटा देते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl, इसको कभी कभी मोस्टली हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को रिएक्ट करा के पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे मिक्स किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को रिएक्ट कराते हैं दोनों गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये गैसियस फॉर्म में दोनों हैं, दोनों को रिएक्ट कराया जाता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है, गैस फॉर्म में। अब मान लीजिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस जो है इसको पास कराया गया किसी लिटमस पेपर पे, तो क्या कोई कलर चेंज होगा। जनरली क्या होता है, एसिड के प्रेजेंस में लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एसिड बना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो गैसियस फॉर्म में, और गैसियस फॉर्म में ये हाइड्रोजन आयन नहीं देगा। तो जब तक इसको पानी में घोला ना जाए या फिर हमारा लिटमस पेपर को वेट न किया जाए, गीला न किया जाए, तब तक ये इसमें से हाइड्रोजन आयन निकलेगा नहीं, है ना। जब तक हाइड्रोजन आयन निकलेगा नहीं तब तक वो एसिड की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा या एसिड का टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसियस फॉर्म में होता है तो क्या वो लिटमस टेस्ट या कोई भी इंडिकेटर का टेस्ट देगा, तो बिल्कुल नहीं देगा। क्योंकि कोई भी एसिड जब लिक्विड फॉर्म में होता है या वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तभी वो अपना हाइड्रोजन आयन निकालता है, और जब हाइड्रोजन आयन निकालेगा तभी वो एसिड का टेस्ट पॉजिटिवली देगा किसी भी इंडिकेटर के केस में। ठीक है, ओके, तो हाइड्रोजन आयन का निकलना ज़रूरी है, और हाइड्रोजन आयन का निकलने के लिए लिक्विड मीडियम बहुत ज़रूरी है। गैसियस मीडियम में एसिड हाइड्रोजन आयन नहीं निकालता है, ये एसिड तो है लेकिन गैसियस फॉर्म में,
तो ये कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, कोई भी जो इंडिकेटर का टेस्ट होता है वो पॉजिटिव नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये डिसोसिएशन रिएक्शन कुछ एसिड्स के हो गए, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड थे, कुछ वीक एसिड का बात कर लिया जाए। वीक एसिड में सिंपल जो आप लिख सकते हैं वो है एसिटिक एसिड। ठीक है, ये एसिटिक एसिड है जिसको विनेगर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड, या फिर इसको कॉमन नेम इसका क्या है, विनेगर। ठीक है, ठीक है, तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन देखें, अगर पानी में इसको डालते हैं तो ये एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होता है। अब ये क्या है, एक तरह का क्या है, ये वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड। ये एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड है, क्यों, क्योंकि ये पानी में डालने में कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हो रहा है आयन में। ये देखिए, एक बड़ा पार्टिकल अलग रह जा रहा है, छोटा सा हाइड्रोजन आयन बहुत ही कम संख्या निकल रहा है, बाकी हाइड्रोजन जो इसमें जुड़े हुए हैं ये निकल नहीं रहे बाहर। तो जो एसिड जितना इजीली और कम्प्लीटली अपने आप को एक एक छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन निकालता है, उसी को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। बट इस केस में आप देख रहे हैं बड़ा सा आयन बन रहा है और एक छोटा सा सिंगल हाइड्रोजन आयन निकल रहा है इतने बड़े मॉलिक्यूल में एसिटिक एसिड के। इसी तरह से एसिटिक एसिड के अलावा जितने भी नेचुरल एसिड्स होते हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, उसमें भी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। इसको बोलेंगे पार्शियल डिसोसिएशन या इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का मतलब है कि जो एसिड है कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हो रहा है, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन नहीं निकाल रहा है, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन इसमें कंबाइंड रह जा रहे हैं, और इस वजह से ये वीक एसिड के कैटेगरी में आता है। ठीक, तो एसिटिक एसिड हो गया वीक एसिड का एग्जाम्पल, इसका डिसोसिएशन हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। फॉर्मिक एसिड भी एक वीक एसिड है जो आंट स्टिंग में पाया जाता है, जो चींटियां या भौरा काटते हैं, मधुमक्खी काटती है, तो उसके डंक में होता है ये फॉर्मिक एसिड, उसको इस तरह से लिखते हैं। ये भी एक तरह का वीक एसिड है, ये दोनों ही हमारे वीक एसिड हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे जो फ्रूट्स में पाए जाते हैं एसिड, वो भी वीक होते हैं, और वो सब क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, उनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है अनडिसोसिएटेड रहता है, इसी वजह से कम हाइड्रोजन आयन वो निकालते हैं और इसलिए वीक एसिड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया वीक एसिड। तो ये दो वीक एसिड आप याद कर सकते हैं, बाकी जो वीक एसिड है उनके फार्मूले काफ़ी बड़े हैं, तो फिलहाल उसको नहीं पढ़ना है। बस आप इससे समझ सकते हैं कि बाकी जो सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और बाकी जो एसिड्स हैं वो भी कुछ इसी तरह से डिसोसिएट होते हैं, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, पूरी तरह से वो ब्रेक नहीं होते हैं और बहुत कम हाइड्रोजन आयन निकालते हैं, दैट इज वाई दे आर पुअर एसिड और वीक एसिड्स। ठीक है, हो गया। तो ये डिसोसिएशन के बेसिस पे हम लोग एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे रहा है, कौन ईजिली ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। जो इजिली ब्रेक नहीं हो रहा है, बहुत कम हाइड्रोजन आयन दे रहा है, उसको वीक एसिड बोलेंगे। ठीक, सिमिलरली इसी तरह से बेस का अगर हम लोग बात किया जाए, बेस के केस में भी सेम पैटर्न है। जो बेस इजिली हाइड्रोक्सिल आयन दे, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि बेस वो होता है जो हाइड्रोक्सिल आयन दे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल पढ़ा था NaOH। NaOH को पानी में डालेंगे तो पानी में ये डिसोसिएट हो गया, ब्रेक हो जाएगा सोल्यूशन में, Na प्लस और OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन, है ना। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये भी वाटर में, जनरली वाटर नहीं भी लिखेंगे तो आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए कि ये जो डिसोसिएशन हो रहा है ये वाटर में ही हो रहा है। ठीक है, तो पोटेशियम प्लस OH माइनस, और क्या हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी डिसोसिएट होगा, कैल्शियम प्लस 2-hydroxyl आयन। ठीक है, इस तरह के और भी कई सारे मिनरल एसिड हैं, मिनरल बेस हैं, जो कम्प्लीटली ब्रेक हो जा रहे हैं। देखिए, पूरा मॉलिक्यूल जो है इक्वली टूट जा रहा है, प्लस आयन और माइनस आयन में, और क्या दे रहा है, सब सारे के सारे बेस क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन। इसमें एक एक निकल रहा है और इसमें दो निकल रहा है,
ये सारे के सारे और भी बहुत सारे हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, ये मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ब्रेक हो जाते हैं पानी में अपने आयनिक फॉर्म में, और ज़्यादा संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन। और जिस जो भी सब्सटेंस ज़्यादा OH माइनस आयन देगा वो ज़्यादा स्ट्रांग बेस कहलाएगा, और जो कम देगा या बहुत इनकम्प्लीट डिसोसिएशन उसका होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वीक बेस, ठीक है, वीक बेस। ओके, तो ये कुछ स्ट्रांग बेस के एग्जाम्पल हो गए। तो इस तरह से बेसिस डिसोसिएट होकर हमको हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, दैट इज OH माइनस आयन, और यही OH माइनस आयन डिसाइड करता है कि बेस स्ट्रांग होगा कि वीक, कितना इजिली ये निकल रहा है, कितनी ज़्यादा संख्या में निकल रहा है, वही डिसाइड करता है। अगर ज़्यादा संख्या में निकलेगा इजिली डिसोसिएट होगा, OH माइनस निकलेगा तो स्ट्रांग बेस है, जैसे कि ये तीनों, ठीक है। एक और बता देते हैं स्ट्रांग बेस में, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो हो जाएगा बेरियम 2+ प्लस 2OH माइनस। इस तरह के और भी स्ट्रांग बेसेस हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं, इनका डिसोसिएशन इस तरह से होगा, और ये इस तरह से हाइड्रोक्सिल आयन निकालेंगे और ज़्यादा बेस क्रिएट करेंगे, स्ट्रांग बेस बनाएंगे, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें वीक बेस का, तो बेस को पढ़ाते समय एक मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया था स्ट्रॉन्ग बेस में, वो गलत था, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का वीक बेस है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका नेचर स्ट्रॉन्ग बेस जैसा भी होता है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक। तो इसको फिलहाल आपके बुक में जो वीक बेस की कैटेगरी रखा है, हालांकि ये भी स्ट्रॉन्ग बेस जैसा ही बिहेव करता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम 2+ प्लस 2OH माइनस, ये तो रिएक्शन को देखने में आपको लग रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में, लेकिन ये रिएक्शन इतना ईजी नहीं होता है। बाकी जो हम लोगों ने अभी स्ट्रॉन्ग बेस के देखे वो ईजिली होता है बहुत तेज़ी से, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। इसमें ये डिसोसिएशन रिएक्शन बहुत आसानी से नहीं होता, बहुत धीमे धीमे होता है, इसलिए इसको वीक बेस की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ये भी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ बुक्स में इसको स्ट्रॉन्ग बेस भी बोला गया है, तो फिलहाल आपके NCERT बुक के हिसाब से चलते हैं तो इसको वीक बेस माना गया है, ठीक। OH, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके अलावा वीक बेस में आता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4+ OH माइनस, ये भी हमारा एक वीक बेस है, और ये जब डिसोसिएट होता है तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है, लेकिन ये इसका जो डिसोसिएशन है सिमिलर इस केस की तरह बहुत ही स्लो होता है, इजिली ये ब्रेक नहीं होता है, इसलिए जल्दी से यह हाइड्रोक्सिल आयन नहीं बनाता है, इसलिए ये दोनों वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। और भी कई सारे हैं जिनके फार्मूले काफ़ी बड़े हैं, जैसे पिरिडीन, जैसे कि है पिरिडीन और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिलहाल आप तीन याद कर लीजिए, पिरिडीन का फॉर्मूला काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको बस नाम याद कर लीजिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, पिरिडीन, ये सब वीक बेस होते हैं और ये इजीली डिसोसिएट नहीं होते हैं और इजीली हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते हैं, दैट इज वाई दे आर नोन एज वीक बेस, ठीक। अब जब वीक बेस है तो इनका pH वैल्यू क्या आएगा? कम आएगा, यानी 8, 9, 10 कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है कैसा मॉलिक्यूल है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे उनका pH वैल्यू ज़्यादा आएगा, जितना ज़्यादा pH वैल्यू उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस तरह से एसिड और बेस का स्ट्रेंथ हम लोग पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का अलग अलग कंडीशन में जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल इसका टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया? अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिएक्शन को पढ़ेंगे कि एसिड किस तरह से अलग अलग कंडीशन रिएक्ट करता है और बेस किस तरह से अलग अलग रिएक्ट करता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सोरेंसन का ये pH स्केल, कि सोरेंसन के pH स्केल 1 to 14 नंबर का बनाया गया रेंज, क्योंकि इतने ही रेंज का pH वैल्यू पाया गया है मैक्सिमम चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। और pH रेंज 1 से लेकर 6.9
तक जो होता है उसको एसिडिक बोला गया है, क्योंकि उनको टेस्ट करके भी पाया गया कि ये एसिडिक नेचर के होते हैं। और पीएच वैल्यू जो 7.1 से लेकर के 14 तक पाया गया है वो बेसिक नेचर के पाया गया है, और पीएच वैल्यू जो 7 होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, ठीक। और एसिडिक में जो पीएच वैल्यू जितना कम रहता है वो एसिड उतना ही स्ट्रांग रहता है, और पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही वीक एसिड रहेगा। लेकिन बेस के केस में जस्ट उल्टा होता है, पीएच वैल्यू जितना कम रहेगा वो वीक बेस रहेगा, और पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा आएगा वो उतना ही स्ट्रांग बेस रहेगा। और ये किस तरह से स्ट्रांग या वीक होते हैं एसिड या बेस, अभी हम लोगों ने पढ़ा डिसोसिएशन का, है ना, कि जिस एसिड में जितने ज़्यादा इजली और आसानी से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, है ना, तो वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और जो एसिड में हाइड्रोजन आयन बहुत कम निकलेंगे या बहुत ही स्लोली निकलेंगे तो वो वीक एसिड होगा। बेस के केस में भी सिमिलर है कि जो बेस इजली और तेज़ी से हाइड्रोक्सिल आयन निकालेगा OH माइनस आयन, तो वो बेस उतना स्ट्रांग होगा, उसका पीएच वैल्यू उतना ज़्यादा आएगा। और वीक बेस वो होगा जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन बहुत ही पुअरली या बहुत ही धीरे निकलेगा, तो उसको वीक बेस बोलेंगे, और उसका पीएच वैल्यू कम आएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिएक्शन को पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।